IBC 24 का जन कारवा बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में पहुंच चुका है। जन कारवा के पहले IBC 24 ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए टीकमगढ़ में विशेष अपील की। टीकमगढ़ के मातृपित्व वृद्धाश्रम में बेसहारा बुजुर्गों और वृद्धाश्रम को संचालित करने वाली महिलाओं के समूह ने हर व्यक्ति को वोट करने की अपील की है। न सिर्फ अपील बल्कि खुद वोट करने की शपथ भी ली। IBC 24 से बातचीत में बुजुर्गों और महिलाओं ने यह भी कहा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन आम आदमी को मतदान कर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल 4 महीनों का वक्त है, लेकिन इसके पहले IBC 24 अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ के मातृपितृ छाया वृद्धाश्रम में आप तस्वीरें देखिए, बेसहारा बुजुर्ग हैं जो यहाँ रहते हैं, इनसे बात करता हूँ। दादा, वोटिंग कितनी जरूरी है, आप दर्शकों से लोगों से क्या अपील करेंगे कि वोट जरूर करें? अब वोट जरूर करें, 70-80% करीब हो जाएंगे। वोटिंग कितनी ज़रूरी है, लोग जो लोग नहीं करते हैं आप उनको किस तरीके समझाएंगे? उनको हम समझाएंगे कि आप वोट डाले भी चलो और साथ में लेके जा सकती हैं। वोटिंग कितनी ज़रूरी है दादा, आप क्या मानते हैं? वोटिंग पूरी ज़रूरी है, हर जो देश का नागरिक है, हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सरकार चुननी चाहिए। मैडम, आप क्या अपील करेंगी? जैसे हमको प्यास लगती है तो पानी की ज़रूरत होती है, ऐसी वोटिंग भी है कि हम अगर भारत देश के नागरिक हैं तो हमें वोटिंग जरूर करनी चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए कि आप सभी भी वोटिंग करें। धन्यवाद जी। मैडम, आप क्या अपील करेंगे? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को वोट करना चाहिए, वोटिंग देना चाहिए, वोट करना चाहिए। और मैं सबसे अपील करूँगी कि भारत के नागरिक होने के नाते आप मतदान जरूर करें। हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि 4 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें बढ़ चढ़कर वोट करें। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24, टीकमगढ़।